उधर मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। आज सदन की कार्यवाही सातवें दिन भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। इस बीच विपक्षी खेमे ने एक नई घोषणा कर दी है। विपक्षी खेमे ने कहा है कि वो मणिपुर के हालातों को लेकर बेहद चिंतित हैं। एक प्रतिनिधिमंडल विपक्षी खेमे से मणिपुर जाएगा। 29 जुलाई और 30 जुलाई को विपक्षी खेमा अपने प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजेगा। न्यूज इंडिया से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की जो मांग है मणिपुर पर, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बात करें, अब इस बीच 29 और 30 तारीख को मणिपुर जाने की घोषणा की है विपक्ष ने, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, विपक्ष जो अभी कर रहा है, चाहे लोकसभा के बाहर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर ही नहीं, देश के साथ यह कुठाराघात कर रहा है। चूँकि लोकसभा जब चलता है तो देश के लिए पॉलिसी बनती है, देश के हित की बातें होती है। क्षेत्र जब अलग अलग माननीय सांसदों का क्षेत्र रहता है तो क्षेत्र की समस्याओं के निदान की बातें होती है और सरकार उस पर माकूल जवाब भी देती है और सरकार उसका सकारात्मक भाव अपना करके उन समस्याओं का निदान भी कराने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरीका से अड़ियल रवैया अपना करके अपने दोष को छुपाने का जो प्रयास कर रहा है, देश आज पूरा उससे अवगत है। देश जान भी रहा, वह किसी न किसी तरीका से उनके मन में मोदी जी के प्रति दुर्भावना फैलाने का है, जबकि देश के 144 करोड़ लोग मोदी जी के प्रति विश्वास करते हैं। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।